यह दो श्राप आज तक भुगत रहे हैं श्री हरि विष्णु। नंबर एक, बाली की पत्नी का श्री राम को दिया गया श्राप। बात उस समय की है जब बजरंग बली की मदद से श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है, और जब राम जी को पता चलता है कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने सुग्रीव की संपत्ति को हड़प कर उसे राज्य से भगा दिया है, तब उन्होंने सुग्रीव को बाली को युद्ध हेतु ललकारने को कहा, और इस बीच श्री राम के बाण से बाली मारा जाता है। जब इस बात का पता माता तारा को चला तो वह तुरंत युद्ध स्थल पर पहुंच गई, और श्री राम द्वारा बाली के वध पर कुपित होकर उन्होंने राम जी को श्राप दिया कि भले ही वे माता सीता को खोज निकाले लेकिन कुछ समय बाद वे वापस उन्हें खो देंगे। तथा जिस प्रकार उन्हें अपने पति का योग सहना पड़ रहा है, उस प्रकार राम जी को भी माता सीता का योग सहना पड़ेगा, और अगले जन्म में उनकी मृत्यु भी उसके पति बाली द्वारा ही होगी। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। माता तुलसी पूर्व जन्म में राजस कुल में जन्मी थी, जिनका नाम वृंदा था। बचपन से ही माता तुलसी श्री हरि की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन बड़े होने पर उनका विवाह राक्षस राज जलंधर से तय किया गया। देवताओं और देवों के युद्ध में जब तक जलंधर रणभूमि में था तब तक माता वृंदा भी उसके जीत के लिए अनुष्ठान कर रही थी। इस कारण से देवता असुरों को नहीं हरा पा रहे थे। तब उनकी प्रार्थना और जगत के हित हेतु भगवान विष्णु जलंधर का रूप धरकर वृंदा के महल में पहुंच गए। जलंधर को युद्ध से आया देख माता वृंदा भी पूजा से उठ गई, और वहां देवताओं ने जलंधर को मार दिया। बाद में माता वृंदा के श्राप से श्री हरि शिला हो गए। इसलिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखे।